प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट विवेक जैन के मार्गदर्शन में शासकीय आदिवासी कन्या आश्रम भीलगांव में छात्राओं को लैंगिक अपराधों के संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया, जहां कार्यक्रम में पैरा लीगल वॉलंटियर अकील खान द्वारा बालिकाओं को बताया कि आपको कोई किसी बात की लालच देता है, आपके साथ कोई गलत व्यवहार करता है तो आप उसका विरोध करें, अपनी टीचर को बताएं या हेल्पलाइन नंबर पर सूचना दें। डरने की आवश्यकता नहीं है, आपके साथ कुछ भी बुरा होता है तो आप अपनी बात न्यायालय तक पहुंचा सकते हैं। आपका नाम गोपनीय रखा जाएगा। छात्रावास में बच्चों को बताया गया लैंगिक अपराधों के लिए पॉक्सो एक्ट बनाया गया है, जिसमें अपराध करने वाले को सजा का प्रावधान है। साथ ही छात्राओं को गुड टच बैड टच के बारे में भी जानकारी दी गई। बच्चों को बताया गया कि किसी भी अनजान व्यक्ति हो या रिश्तेदार, किसी पर भी भरोसा कर साथ में ना जाए। यदि रिश्तेदार के साथ जाते हैं तो परिवार को सूचना अवश्य दे। कसरावत से अखिल खान की रिपोर्ट। आपको गोद में उठाता है, आपको लाड़ करता है, तो ऐसे ऐसे व्यक्ति से दूर रहे और ऐसे व्यक्ति की शिकायत सबसे पहले अपने मम्मी पापा से करें। चाहे आपके घर हो सकता है कि आपके परिवार में भी कोई बच्चा हो, आपका कोई रिश्तेदार भी हो, ऐसे लड़के जो बड़े लड़के जो आपके रिश्तेदार भी हो, लेकिन अगर उनका छूना आपको अच्छा नहीं लगता है, आपको कभी कभी होता ना, आपको अगर आपका दोस्त आपके गले में हाथ डाल के चलेगा तो आपको अच्छा लग रहा है, और कोई अपरिचित आदमी आगे से गले में हाथ डाल दे तो क्या लगेगा आपको, अटपटा सा लगेगा। जब भी आपको कोई छूना बुरा लगता है तो ऐसे व्यक्ति से दूरी बनाए, चाहे वो आपका रिश्तेदार भी हो, घर परिवार का भी हो, मम्मी पापा के अलावा यदि कोई भी रिश्तेदार हो जो आपको गलत तरीके से छूता है तो आप उससे दूरी बनाए, है ना। जो आपको अच्छा नहीं लगता आपके मन में, अगर उसका छूने से आपको लगा कि यार अच्छा अच्छा नहीं लग रहा मुझे, तो उससे कहो कि अंकल मुझे अच्छा नहीं लगा, आप छू रहे हो मुझे अच्छा नहीं लगा, आप दूर हट जाइए। उसके बाद भी अगर वो करता है तो सबसे पहले मम्मी को बताया कि अंकल मुझे बार बार छूते हैं, यदि कोई बार बार आपके पास आता है तो ऐसे व्यक्तियों के बारे में अपने मम्मी पापा को बता दें, उसमें कोई शर्म संकोच की बात नहीं, नेम को बता दें, है ना। जितनी जल्दी आप उनको उसके बारे में किसी को बताएंगे उससे आप बच जाओगे, नहीं तो उसकी हरकतें बढ़ती जाएगी, वो आपको बार बार तंग करेगा, है ना। और ये कोई पहचान का हो या अनजान हो, कोई भी व्यक्ति हो, यदि वो आपके पास में इस तरीके से करता है, और बड़े बच्चों के लिए बता दें कि ऐसे ऐसे लोगों को रोकने के लिए आप बस में सफ़र करते हैं, बाजार जाते हैं, वहाँ पर भी अगर कोई आपको गलत नज़रों से घूरता है, तो गलत तरीके से आपको टच करता है, तो ऐसे लोगों के लिए न्यायालय, सबसे पहले आप न्यायालय में भी जा करके जज साहब को भी अपनी कामों की शिकायत कर सकते हैं। विधिक सेवा समिति, वहाँ पर एक समिति बनी हुई है, वहाँ पर भी अपने आपके परिवार से भी कोई आकर के उसकी शिकायत कर सकता है, ऐसे व्यक्ति को जेल की सजा मिलेगी। तो ऐसे व्यक्ति जब भी कोई आपको कोई अनजान व्यक्ति आपको कोई खाने की चीज़ दे, चॉकलेट दे, तो आप उनसे कभी भी वो चीज़ नहीं ले, उनसे बोले कि मैं हम आपको पहचानते नहीं हैं, मैडम से बात करें कि ये व्यक्ति हमको चॉकलेट या कोई चीज़ अन्य चीज़ खाने के लिए दे रहा है, ऐसे लोगों से सावधान रहें, ऐसे लोगों से बच के रहें, है ना बेटा। तो विधिक सेवा समिति आज आपको ये जागृत करने के लिए आई थी कि कोई भी व्यक्ति अगर आपके साथ में गलत व्यवहार करता है, छूता है, तो उसके लिए कानून बनाएं जो उसको सजा भी देगा, तो लेकिन सबसे पहले उसको उसके बारे में जानकारी कौन देगा, आप लोग। अगर आप लोगों के साथ कोई गलत हो रहा है, अगर आप लोग नहीं बताओगे तो हमको पता नहीं चलेगा। अभी आप कैंपस बैठे हो, हम बाहर जाए, आप लोगों के बीच में ऐसे कोई व्यक्ति के कोई बच्चा है जिसके साथ में कोई ऐसा व्यवहार करता हो, कोई गलत तरीके से छूता हो, कोई बच्चा जिसको ऐसा ऐसी चीज का सामना करना पड़ा हो, है ना। अगर ऐसी चीज का सामना करना पड़े तो उसके बारे में किसी को, हमारे पास कोई जादू तो ये नहीं कि पता चलेगा, उसके बारे में सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा, उसके लिए आपको हिम्मत करना पड़ेगी, है ना। डरना नहीं है आपको, आपको क्या लगता है कि उसने अगर आपको धमका दिया है कि अगर आपने किसी को बताया तो मैं आपको ऐसा कर दूंगा या आपको मैं मार दूंगा, तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। डरोगे तो ज़्यादा नुकसान उठाओगे, कभी भी ऐसी चीज़ों से डरना नहीं चाहिए। डर का सामना ताकत से, हिम्मत से करना है। आपके पीछे बहुत सारे लोग खड़े हैं, पुलिस आपके सहयोग में खड़ी है, न्यायालय, जज साहब के बारे में जानते हो, न्यायालय के बारे में जानते हो, न्यायालय क्या है, जहाँ पर जितने भी जो अपराधी होते हैं, जो चोरी करते हैं।
आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।